मेरे दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा दिल नाले लारे नी तू लाने वाली है दिल तेरा जदों। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो भाई कुछ दिन पहले मैंने एक मॉन्टाज अपलोड किया था जिस पर मैंने काफ़ी अलग अलग इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस का यूज किया था, और उन्हीं इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि था एनिमेटेड ब्लैक बार्स के ऊपर में, जिस पर मैंने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो दोनों का ही वीडियो बना दिया हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से चाहो तो आप उस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और उसी मोंटाज में मैंने एक और ट्रांजिशन अप्लाई किया था जो कि था स्प्लिट स्क्रीन ट्रांजिशन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा था। और उस ट्रांजिशन के रिगार्डिंग में मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिल रहे थे कि भाई इस टाइप का ट्रांजिशन को क्रिएट करना बताओ, स्पेशली प्रीमियर प्रो के अंदर में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम सिमिलर ट्रांजिशन को क्रिएट करने वाले हैं प्रीमियर प्रो का यूज करके। और भाई अभी तक अगर आपने वो वाला मोंटाज नहीं देखा है तो भाई उसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको जरूर से चेकआउट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एडिट है। और हो सके तो कमेंट और लाइक भी कर देना। और भाई आगे बढ़ने से पहले ये वाला वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो भाई इसको लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना विद बेल आइकन। तो भाई इसी के साथ चलते हैं डायरेक्टली प्रीमियर प्रो के अंदर में और देखते हैं कैसे स्प्लिट स्क्रीन ट्रांजिशन को क्रिएट करना है। तो प्रीमियर प्रो में मैं आ गया हूँ और देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक रॉ क्लिप को इम्पोर्ट किया हुआ है, सेम मोंटाज का ही क्लिप है। तो आप जिस भी क्लिप या फिर मोंटाज में उस स्प्लिट स्क्रीन को अप्लाई करना चाहते हो उसको इम्पोर्ट कर लेना, और आपको मार्क लगा लेना है उस वाले पॉइंट पर जहां से आपका क्लिप चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहां पर क्लिप चेंज हो रहा है तो मैंने यहां पर एक कट मार्क लगा लिया है, सिमिलरली यहां पर भी एक कट मार्क लगा लिया है जहां पर मेरा ये क्लिप चेंज हो रहा है, देन अगेन यहां पर क्लिप चेंज हो रहा है, मैंने कट मार्क लगा लिया है। तो जहां जहां पर आपको अप्लाई करना है वो ट्रांजिशन को आपको कट मार्क या फिर मार्क लगा लेना है, और इसके बाद में आपको उस मार्क वाले पॉइंट पर आ जाना है, देन इस सेकेंड क्लिप का जो हमारा रहेगा फर्स्ट फ्रेम को सबसे पहले कैप्चर करना है। तो यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट ई करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसको आप एक बार क्लिक करके ओके कर देना तो आपका डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब उस एक्सपोर्टेड इमेज को हमें प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना है। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके इसके ऊपर में इसको प्लेस कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले पॉइंट से 20 फ्रेम पीछे आऊँगा, सो शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को 4 बार प्रेस करूँगा तो 20 फ्रेम पीछे आ गया हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा ग्रैब का भी डिस्टेंस ले सकते हो एज पर योर ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, इसको मैं यहाँ पर अलाइन कर लूँगा, देन इस वाले पॉइंट पर आने के बाद में इसको कंट्रोल के करके ये वाला पोर्शन को सिंपली डिलीट कर देना है, और इसको मैं सबसे पहले डुप्लीकेट कर लूँगा। सो ऑल्ट प्रेस करके इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद में सबसे पहले इसको हमें इस पर हमें मास्क अप्लाई करना है। सो मास्क अप्लाई करने से पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ग्रिड क्रिएट कर लेना है ताकि हमारा जो मास्क अप्लाई हो रहा है उसको देख सके कि किस टाइप का, मतलब पूरा अलाइनमेंट में मास्क क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो फाइल पर आना, न्यू पर आना, यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट वीडियो को क्रिएट कर लेना। क्रिएट होने के बाद में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना इस लेयर के ऊपर में। अब इस ट्रांसपेरेंट वीडियो के ऊपर में एक इफेक्ट अप्लाई करना है। सो इफेक्ट्स पैनल पर आना और यहाँ से सर्च करना है आपको ग्रिड करके। सो ऑब्सोलेट के अंदर में ग्रिड मिलेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस वाले लेयर के ऊपर में। तो अब देख सकते हो हमारा ग्रिड यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब हम अगर इस पर मास्क अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग गया कि हमारा मास्क भाई एक्यूरेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। सो मैं फर्स्ट वाले इमेज पर आ जाता हूँ, देन इफेक्ट्स कंट्रोल पर आऊँगा, ओपेसिटी पर आना है, यहाँ से स्क्वायर मास्क टूल को क्रिएट सिलेक्ट कर लेना है, और इसका मास्क वेदर को सबसे पहले 0 कर देंगे। तो देखना यहाँ पर एक मास्क ऑलरेडी हमारा आ गया है, और इसके बाद मैं फिर से इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे कि मेरा मास्क ठीक ठाक क्रिएट हो रहा है कि नहीं। और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सेंटर टू सेंटर स्प्लिट करूँगा। इसमें मैं आपको 4 से 5 टाइप का ट्रांजिशंस बताऊंगा, तो आप जो भी ट्रांजिशंस को अप्लाई करना चाहते हो आप उस ट्रांजिशन का स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पर एक मास्क क्रिएट हो गया, देन नीचे वाला लेयर पर आएंगे, सिमिलरली उसी टाइप से मास्क को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, फेदर को 0 कर देना है, और इस मास्क को इसके बराबर में इस टाइप से अलाइन करके इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो हमारा दोनों मास्क क्रिएट हो गया है। अब दोनों मास्क क्रिएट होने के बाद में इसको हमें एनिमेट करना है। तो इफेक्ट्स पर आना है, यहाँ से आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। सो डिस्टॉर्ट के अंडर ट्रांसफॉर्म मिलेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना फर्स्ट वाले लेयर पर, देन ड्रैग एंड ड्रॉप करना सेकेंड वाले लेयर पर। फर्स्ट वाले लेयर पर आ जाऊँगा और इसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर आना है, इस एरो को ओपन कर लेना ताकि हमें दिखाई दे यहाँ पर हमारा जो की फ्रेमिंग वगैरह जो भी करेंगे। और फर्स्ट स्टार्टिंग पर आ जाना है, स्टार्टिंग पर आने के बाद में यहाँ पर पोजीशन पर एक की फ्रेम अप्लाई करना, उसको पकड़ के ऊपर कर देना है।
देन लास्ट वाले फ्रेम पर आना है, लास्ट पोर्शन पर आना है, इसको रिसेट कर देना। यहाँ पर एक की फ्रेम अप्लाई हो जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना है, टेम्पोरल इंटरपोलेशन में जाना, बीजीआर यहाँ से चूज कर लेना, और इसके बाद में इसको ओपन करके यहाँ से ग्राफ पर आ जाना, और इसको मैं पकड़ के लास्ट में प्लेस कर देता हूँ, और इस वाला फ्रेम को, इस वाला की फ्रेम को पकड़ के मैं लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। अब हमारा ट्रांजिशन कुछ इस टाइप का निकल के आ रहा है, इस टाइप का। और इसके बाद में क्या करना है, ट्रांजिशन तो हो गया, अब इस पर मैं मोशन ब्लर अप्लाई करूँगा। सो मोशन ब्लर के लिए नीचे आना है, इसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के यूज कंपोजिशंस को यहाँ पर अनचेक कर देना, शटर एंगल को आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है आप अपने अकॉर्डिंग में बढ़ा लेना। देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर मोशन ब्लर क्रिएट हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग में रख सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको 180 डिग्री कर देता हूँ, तो इतना हो गया है। अब इस पर नीचे वाले क्लिप पर आएंगे, सिमिलरली इसको एनिमेशन करना है, फर्स्ट फ्रेम पर आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाले स्टार्टिंग पर आऊँगा, इसका पोजिशन पर एक की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा, देन वाई पोजिशन को इसको मैं डाउन कर दूंगा, फर्स्ट वाले पर हमने ऊपर लिया था इसको डाउन कर देंगे, देन लास्ट में आ जाएंगे, इसको रिसेट कर दूंगा, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको वापस से यहाँ से बीजीआर कर देना है, देन इसका ग्राफ को सिमिलरली उसी टाइप से आपको क्रिएट कर लेना है, और इस की फ्रेम को पकड़ के वापस से मैं लास्ट में प्लेस कर दूंगा, और इसका शटर एंगल को यहाँ से मैं कर दूंगा 180 डिग्री। सो इसको राइट क्लिक करना और इसको नेस्ट कर लेना, दोनों क्लिप को आपको नेस्ट कर लेना है। सो राइट क्लिक करके इसको वापस से यहाँ से नेस्ट कर लेना, और इफेक्ट्स पर आने के बाद में यहाँ पर सर्च करना ड्रॉप शैडो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पर्सपेक्टिव के अंदर में ड्रॉप शैडो, दोनों पर आपको अप्लाई कर देना है। सो मैं स्टार्ट फर्स्ट वाला पर पहले अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल पर आ जाओ, इसका सेटिंग्स देख लो, डिस्टेंस को कर दूंगा 30, सॉफ्टनेस को कर दूंगा 30, और ओपेसिटी को कर दूंगा 100, और इसका जो डायरेक्शन का एंगल है, डायरेक्शन का एंगल को आप अपने अकॉर्डिंग में रख सकते हो। तो मेरा जैसे नीचे से ऊपर आ रहा है, तो मैं इस साइड में इसका ड्रॉप शैडो अप्लाई करूँगा, सो यहाँ से मैं इसको 135 ही रख देता हूँ, ठीक। देन अगेन इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करना, इस पर आ जाना, इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, और इसका डायरेक्शन को मैं यहाँ से चेंज करके इतना कर देता हूँ, 315 डिग्री कर देता हूँ। तो अब हमारा इफेक्ट यहाँ पर इस टाइप का निकल के आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का ट्रांजिशन, अब देखते हैं कि सेकंड टाइप का ट्रांजिशन को कैसे करना है। सो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड वाले क्लिप पर आऊँगा, देन वापस से एक फ्रेम को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट होने के बाद में इसको मैं प्रीमियर के अंदर में इम्पोर्ट कर लेता हूँ, देन वापस से 20 फ्रेम पीछे आऊँगा, इसको इधर ला के ऐसे करके प्लेस कर देंगे, और इधर आने के बाद में इसको, इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दूँगा, और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगा। देन इस पर भी हम मास्क अप्लाई करेंगे, बट ये मास्क को अब हम हॉरिजॉन्टल अप्लाई करेंगे। सो ओपेसिटी पर आना, यहाँ से इस मास्क टूल को सिलेक्ट कर लेना, फीदर जीरो कर देना, इस मास्क को मैं पहले ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ, और इस मास्क को मैं इस टाइप से अप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट वाला हमारा मास्क क्रिएट हो गया है, देन अगेन सेकंड पर आना, मास्क टूल को ले लेना यहाँ से फेदर जीरो, इसको अब नीचे वाले क्लिप पर इस टाइप से प्लेस करके अलाइन करके इसको रिसाइज कर लेना है। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो यहाँ से आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म करके, और इस दोनों पर ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर देना, देन फर्स्ट वाले क्लिप पर आ जाना, स्टार्टिंग पर आ जाना, एक की फ्रेम अप्लाई कर देना पोजीशन पर, और इसको पकड़ के वाई पोजीशन को पकड़ के आपको पूरा लेफ्ट साइड में स्लाइड कर देना है। तो मैं इतना कर दूंगा, देन लास्ट पर आऊँगा और इसको रिसेट कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको बीजीआर चूज कर लेना है, देन ग्राफ एडिटर पर आ जाना, देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, इसको अनचेक कर देना, इसका एंगल को मैं 150 डिग्री कर दूंगा, इसको 180 डिग्री रहने देते हैं। सो इतना होने के बाद में इसको मैं लास्ट में प्लेस कर दूंगा। सो अब हमारा कुछ इस टाइप का निकल के आ रहा है, ठीक। देन इसको राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ओके कर दूंगा, और इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा ड्रॉप शैडो, एंड इसका सॉफ्टनेस 30, डिस्टेंस 30, ओपेसिटी 100, और इसका डायरेक्शन को क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन को कुछ इस टाइप का मैं रख दूंगा 145 डिग्री। देन अगेन नीचे वाले लेयर को भी एनिमेट वैसे ही करेंगे। सो स्टार्टिंग में आ जाना है, पोजीशन पर एक की फ्रेम अप्लाई करके इधर राइट साइड में पूरा स्क्रॉल कर देना है, और लास्ट में आना,
और इसको रीसेट करके दोनों को सिलेक्ट करके बीजीआर वापस से कर देना है। और यहाँ से इसका मोशन ब्लर भी यहाँ से ऑन कर देते हैं, शटर एंगल 180 डिग्री। देन इसको भी नेस्ट कर लेंगे यहाँ से, और ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दूंगा और इसको कर दूंगा 30। तो ये हो गया हमारा दो टाइप का ट्रांजिशन। और एक हम ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे जिसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर कोन के शेप में इसको स्प्लिट करूँगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर आ जाऊँगा और इस फ्रेम को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। सो एक्सपोर्ट करने के बाद में इसको प्रीमियर के अंदर में इम्पोर्ट कर लेना है, और इसको वापस से शिफ्ट और लेफ्ट एरो की को चार बार प्रेस करके 20 फ्रेम पीछे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद में इसको कट लगा लेना है। और इसका अब मैं चार डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा क्योंकि मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सो इसको चार डुप्लीकेट लेयर इसको क्रिएट करना है। सो यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करना और इसका चार डुप्लीकेट लेयर को क्रिएट कर लेना है ऐसे करके। देन इसके बाद में इस पर हमें मास्क क्रिएट करना है। सो मास्क क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आ जाना और यहाँ से पेन टूल को ले लेना है, और यहाँ पर इस टाइप से इसको मास्क को क्रिएट करना है। मेरा सेंटर पॉइंट ये है तो मैं यहाँ पर इसको ले लूँगा, इसको इस टाइप से, और यहाँ पर इस टाइप से मास्क क्रिएट कर लेंगे। इसको बाहर प्लेस कर देंगे और इसका फेदर को कर दूंगा पूरे ज़ीरो। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है। देन इसको राइट क्लिक करना, यहाँ से इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में वापस से सेकेंड वाले क्लिप पर आ जाना, वापस से वैसे ही करके यहाँ पर मास्क इसको अप्लाई कर देना है। सो इस टाइप से इसको भी मास्क अप्लाई करके इसको राइट क्लिक करना और इसको भी कर देना यहाँ से नेक्स्ट। देन अगेन थर्ड वाले क्लिप पर भी सिमिलर टाइप से इसको मास्क अप्लाई करना है, बट इसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, और इस पर भी मास्क अप्लाई करने के बाद में इसको भी कर देना है नेक्स्ट। देन लास्ट वाले क्लिप पर आना है, पेन टूल ले लेना है, और ये लास्ट वाला हमारा जो मास्क बचा है इसको यहाँ पर से ऐसे करके क्रिएट कर लेना है। तो इतना होने के बाद में इसको भी राइट क्लिक करना और यहाँ से इसको कर देना है नेक्स्ट। तो हमारा चारों मास्क क्रिएट हो गया है। अब इस पर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म। सो इसको आपको सर्च करना है ट्रांसफॉर्म करके, एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस वाले लेयर पर, और चारों लेयर पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फर्स्ट वाला पर मैं आता हूँ, इसका पोजीशन पर आना है और पोजीशन पर एक की फ्रेम अप्लाई कर देना। तो इतना तक करने के बाद में लास्ट पर आना, एक की फ्रेम अप्लाई करके इसका पोजीशन को रीसेट कर देना, सिलेक्ट करना सबको, और यहाँ से इसको बीजीआर चूज कर लेना और इसका ग्राफ एडिटर पर आ जाना है। देन नीचे आके इसका शटर एंगल को मैं कर दूंगा यहाँ से 150 डिग्री, और इसके बाद में इस पर ड्रॉप शैडो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आना है ड्रॉप शैडो करके सर्च कर लेना, और पर्सपेक्टिव के अंदर में ड्रॉप शैडो मिल जाएगा, इसको इस पर अप्लाई कर देना। वापस से डिस्टेंस इसको कर दूंगा 30, सॉफ्टनेस कर दूंगा, ओपेसिटी को 100 इस टाइप का प्लेस करूँगा ताकि हमारा जो ड्रॉप शैडो है सेंटर टू सेंटर रहे, इसको 90 के आसपास रख देते हैं। सो इतना हो गया है, और सिमिलर मेथड से ये तीनों को मैं एनिमेट कर लेता हूँ। तो हमारा इस टाइप का दो तो क्रिएट हो गया है, बाकी दो को भी आप सिमिलर टाइप से क्रिएट कर सकते हो। तो इसको भी आप क्रिएट कर लेना, उस टाइप से एनिमेशन कर लेना है। तो भाई चारों क्लिप को एनिमेट करने के बाद में कुछ इस टाइप का हमारा इफेक्ट निकल के आ रहा है। तो इस टाइप से आप इस ट्रांजिशन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और एक ट्रांजिशन मैंने क्रिएट किया था इस टाइप का, यहाँ पर जो सर्कल ट्रांजिशन हो रहा है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट दोनों का ट्यूटोरियल है। तो इस टाइप से आप इस ट्रांजिशन को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो भाई इस टाइप से आप इस स्प्लिट स्क्रीन ट्रांजिशन को क्रिएट कर सकते हो अपने मॉन्टाज के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स या फिर क्वेरीज है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।